The first non parametric test I'll be talking about is a chi square, which is very frequently used in social sciences and in psychology in particular. Uh, chi square? Mein kya karte ke chi square? Ke andar bhi hum, uh, do ke chi squares, hai, lekin hum mainly chi square pe jab hai, jab data jo hai wo, uh, frequencies mein hota hai, ya wo nominal ordinal scale. Ke upar hota hai. Um, the most obvious difference between the chi square test and the other uh, parametric test. वी हैव कंसिडर डिट टी और जी वगैरह उसके अंदर मेन डिफरेंस ये है कि हमारा टी और इनोवा के लिए डेटा हमारा जो है वो स्कोरस होते हैं लेकिन काई स्कोयर के लिए हमारे पास जो तो डेटा होता है वो फ्रीकुनसिज़ में होता है मसलन फ़र्ज करें कि हमारे पास स्मोकिंग और हेल्थ का रिलेशनशिप है तो हमारे पास स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में स्कोरस की बजाय फ्रिक्वेंसिस होंगे कि हाउ मनी आर स्मोकर्स हाउ मैनी आर नॉन स्मोकर्स और इसी तरह हेल्थ के अंदर भी हमारी कैटेगरीज होंगी जिसमें गुड हेल्थ एवरेज हेल्थ या पुअर हेल्थ की कैटेगरीज के मुताबिक उसमें फ्रीक्वेंसीज हमारे पास होंगे नंबर ऑफ पीपल इन ईच कैटेगरी इन जनरल टर्म्स दिसकाई स्क्वायर टेस्ट यूजिज द प्रोपोर्शन द सैम्पल डेटा टू टेस्ट हाइपोथिस अबाउट द रिस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन सो जनरली हमारे पास प्रपोर्शनज होते हैं डिफरेंट uh, कैटेगरीज के अंदर जिसको हम कंपेयर करते हैं और फिर हम आए टेस्ट करते हैं अबाउट द पॉपुलेशन क्या एजम्पन्स कुछ एजम्पन्स काय स्क्वायर की हैं एजम्पन से भी ज़्यादा कि कुछ प्री रैकजिट्स हैं का स्क्वायर यूज करने के लिए हम कब करते हैं पहली तो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन है जैसा मैंने कहा कि काय स्क्वायर का मेन डिफरेंस है कि हमारे पास डेटा फ्रीक्वेंसीज में होता है इन ईच कैटेगरी सो so, पहली बात कि इंडिपेंडेंस के ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि ईच इंडिविजुअल मस्ट लाई ओनली एंड ओनली इन वन कैटेगरी मतलब uh, ओवरलैप ना हो सो दैट शुड बी इंडिपेंडेंट फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लो मीडियम हाई बनाए हैं तो उसके स्कोर्स एक ही कैटेगरी में फॉल कर सकें सो इंडिपेंडेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन का मतलब है कि हमारे पास ईच कैटेगरी और ईच सेल में हमारी जो ऑब्जर्वेशन हैं वो इंडिपेंडेंट होती हैं अकाय स्क् टेस्ट वुड बी इन अप्रोप्रिएट इफ अ पर्सन कुड प्रोड्यूस रिस्पॉन्स दैट कैन बी क्लासीफाइड इन मोर देन वन कैटेगरी यानी ऐसे रिस्पॉन्स अगर हमारे पास आ रहे हैं जहाँ पे वो एक से ज़्यादा कैटेगरी में जा सकता है तो फिर कार टेस्ट जो हमारा है दैट मी नॉट बी अप्रोप्रिएट दूसरी कंडीशन जो काय स्क्ोयर के लिए है दैट इज़ के हमारे हर सेल में क्योंकि हमारे काय स्क्वायर के अंदर नॉमिनल ऑर्डिनल डेटा है कैटेगरीज हैं और हर कैटेगरी के अंदर फ्रीकुनसिज़ हैं सो द फ्रिक्वेंसिस शुड नॉट बी लेस देन फाइव इन ईच और एनी कैटेगरी अगर वो फाइव से कम है तो फिर हमारे जो रिज़ल्ट हैं वो थोड़े से मिसलीड uh, हमें कर सकते हैं या फिर थोड़े से एग्जैजरेटेड हो सकते हैं इन्वॉल्व टू टेस्ट द कास्कोय टेस्ट फॉर गुडनेस ऑफ फिट एंड द कास्क टेस्ट फॉर इंडिपेंड दो तरह के काय स्क्र की हम बात करेंगे uh, एक का स्क्वायर टेस्ट गुडनेस ऑफ फिट और दूसरा हमारा जो है वो काय स्क्वायर टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एंड वी विल टॉक अबाउट दम इन द नेक्स्ट मॉड्यूल